गोलकोंडा के किले के अनसुलझे रहस्य, दुनिया का सबसे हाईटेक किला, किले में दुनिया का सबसे बेहतरीन अलार्म सिस्टम। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के गोलकोंडा की, और यही मौजूद है गोलकोंडा का किला। 400 साल पहले जब इस किले को बनवाया गया था, तब ना तो आज वाली तकनीक थी और ना ही आज की मशीनें, लेकिन फिर भी इस किले को ऐसा बनाया गया कि आज के हाईटेक इमारतें भी फेल हो जाएं। इस किले की सबसे खास चीज़ है यहाँ का अलार्म सिस्टम, जो आज भी दुनिया की किसी इमारत में नहीं मिलेगा। सही मायनों में कहें तो गोलकोंडा का किला अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य है इसका ध्वनि अलार्म सिस्टम। इसे इस तरह से बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है, तो उसकी आवाज़ बाहर हिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तलिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के हमले के समय सेना को सूचित करने के लिए किया जाता था। ये सिस्टम कैसे बनाया गया और किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ये आज भी एक राज है। किले में गुप्त सुरंगों का जाल, आज तक नहीं मिली गुप्त सुरंग। ऐसा माना जाता है कि इस किले में कुछ गुप्त सुरंग हैं, जो दरबार हॉल से शुरू होती हैं और किले के तल तक एक महल में जाती हैं। कहा जाता है कि ये हमले के दौरान शाही परिवार को महल से निकालने के लिए बनवाई गई थी, लेकिन रहस्य ये है कि इसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। इस किले की भव्यता का अंदाज़ा आप यहाँ के दरबार हॉल को देखकर ही लगा सकते हैं, जिसे हैदराबाद और सिकंदराबाद को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस किले के निर्माण को लेकर एक कहानी मशहूर है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली थी। तब के काकतीय राजा को जब इस मूर्ति के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया। इसे ही आज हम गोलकोंडा के किले के नाम से जानते हैं। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाज़ा इस किले का मेन दरवाज़ा है, जो करीब 13 फुट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। सदियों पहले इसी गोलकोंडा में हीरे की खान हुआ करती थी। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा भी इसी खान से मिला था। सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, बल्कि दरिया ए नूर, नूर उल एन हीरा, होप डायमंड और रीजेंट डायमंड की खुदाई भी गोलकोंडा की खानों में ही की गई, जो आज भी सबसे बड़े और बेहतरीन हीरे समझे जाते हैं।